भूख नहीं है। सकम थोड़ा सा खा लो, चाहे एक दो बाइट से सही। नहीं, मेरा मन नहीं। तुम गौरी के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, मुक्ति मुझसे ही उसकी हालत देखी नहीं जाती। सबका भला चाहने वाली गौरी कभी एक चींटी तक नहीं मारी होगी और आज खून के इल्जाम में सजा काट रही और इन सबके बीच उसकी वो हंसी ना जाने कहां खो गई जिसके बारे में शिव मुझे बताया करता था। कहां से वापस आएगी वो हंसी? वो तो शिव के साथ ही चली गई। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि शिव जरूर आएगा गौरी की मदद करने के लिए। पता है संगम, गौरी हमसे क्या कहा करती थी कि जब भी वो किसी मुसीबत में हो तो विंध्यवासिनी माँ से सिर्फ एक चीज मांगती थी। क्या? कि हे माँ, हमें शक्ति देना ताकि जब भी मुसीबत आए उसमें वो कमजोर ना पड़े। पर मुक्ति, मैं तो कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है संगम। पता नहीं कल गौरी क्या कहेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अगर जज्बात में अगर गौरी ने कोई गलत फैसला ले लिया तो कहीं गौरी हमेशा के लिए जेल ना चली जाए। अपने दोस्त को बहुत मिस करें। जीवन साथी को अगर दोस्त बना लो तो लाइफ आसान हो जाती है। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूं मेरी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है। सुनो ना, अपने होने वाले उनका फोटो तो दिखा दो। सुनिए, क्या है? आप सर, आप अंदर आएंगी? प्लीज आइए ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या है, क्यों बोला है? आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। हाँ हाँ, काम बताओ। आप अपना मोबाइल दे सकती हैं? मोबाइल? देखिए प्लीज, हमें एक बहुत जरूरी फोन करना है। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। बाहर वालों से बात करने की परमिशन नहीं है। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी। प्लीज, हमारे लिए कॉल करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये फोन कॉल नहीं किया तो हमारे साथ कई मासूमों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। प्लीज हमें ये फोन करने दीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, अब इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी लड़की लगती हो भले घर की, इंसानियत के नाते फोन कर लो, लेकिन एक कॉल से ज्यादा नहीं। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हेलो, हम बोल रहे हैं। कौन? गौरी, कहाँ हो तुम? घबराओ मत, हम अभी भी जेल में हैं। लेकिन हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है, कल मजिस्ट्रेट के सामने हम अपना गुनाह कबूल करने वाले हैं। लेकिन विक्रम, हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कि तुम गुंजन की मांग में सिंदूर हमारे सामने भरोगे। तुम्हारी और गुंजन की शादी
यहाँ जेल में हो, सारे परिवार वालों की मौजूदगी में। बोल, मंजूर है ये शर्त? देखो विक्रम, हम दोनों के पास सिर्फ कल तक का समय है, इसलिए तुम्हें अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। मजबूर, हमें धर्म का रास्ता निभाते हुए कल मजिस्ट्रेट के सामने सच बोलना पड़ेगा। पर अगर तुम ये शर्त मान जाओगे तो हम अपनी बहन की खुशी के लिए खुशी खुशी सूरज भान के खून का इल्जाम अपने सर लेने को तैयार है। बोलो विक्रम। गौरी, शायद थोड़ा नेटवर्क कम है, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ।